दोस्तों आपको ये बात तो पता ही होगी कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का राज पता है? अगर नहीं तो यह वीडियो उसके ऊपर ही है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हाल ही में राजकुमार संतोषी द्वारा एक ट्रेलर जारी किया है, जिसमें राजकुमार जी ने फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध द्वारा लोगों तक यह बात पहुँचाने की कोशिश की कि 74 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारनी पड़ी। वैसे तो कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे खुद गांधी जी का सम्मान करते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गांधी जी को गोली मार दी। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा 74 साल पहले? माना जाता है कि गांधी जी का देश को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा योगदान था, मगर उन्होंने देश आज़ाद कराने के बाद कुछ ऐसा कर डाला कि नाथूराम गोडसे को उनकी जान लेनी पड़ी। दोस्तों देश आज़ाद होने के बाद भी कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें गांधी जी ने मुस्लिम की साइड ज़्यादा ली, और ऐसे ही अन्य कई और मामले सामने आए जिनसे नाथूराम जी नाराज़ थे और इसी नाराज़गी के कारण उन्होंने गांधी जी को गोली मार दी। दोस्तों ऐसा ही कुछ जानने को मिलेगा इस फिल्म में, तो दोस्तों आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। यह फिल्म 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो के साथ।